नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। इस न्यूज कैप्सूल में हम लाए हैं एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले से, जहां जहरीला प्रसाद खाने से कई गायों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि सतना जिले में महाशिवरात्रि भंडारे का बचा प्रसाद 15 गौवंशों की मौत का सबब बन गया। जहरीला प्रसाद खाने से गाय की मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया। जहरीला प्रसाद खाने से 15 गाय तड़प तड़प कर दम तोड़ चुकी हैं और दर्जन भर गाय बीमार है। जल्द उचित इलाज नहीं हुआ तो स्वर्ग सुधार सकती है। इस त्रासदी पर जिस तरह शासन प्रशासन को सक्रियता दिखानी थी, नहीं दिखी। गाय के नाम पर आए दिन आवाज बुलंद करने वाले हिंदूवादी संगठन और बजरंग दल की चुप्पी सवालों के घेरे में है। पीड़ित और गांव के सरपंच ने मंदिर प्रबंधक के खिलाफ सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। गाँव में गौवंशों के तड़प तड़प कर दम तोड़ने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामला शहर से लगे पशुपतिनाथ मंदिर का है। दिन भर भंडारा वितरण के बाद शाम को प्रसाद बच गया। मंदिर प्रबंधक ने बचे हुए प्रसाद को मंदिर में रख दिया। दूसरे दिन प्रसाद में बदबू आने पर प्रबंधक ने प्रसाद जमीन पर गाड़ने की बजाय खुले आसमान के नीचे फेंक दिया। मंदिर से लगी बस्तियों के गौवंशों ने विषाक्त प्रसाद पेट भर कर खा लिया। कुछ देर में गाय तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और मुआयना कर वापस चली गई। अभी तक डेढ़ दर्जन गौवंश दम तोड़ चुके हैं। गाय नाम पर राजनीति करने वाले हिंदू संगठन नदारद हैं। ग्रामीणों की माने तो कई गायों की हालत खराब है, मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। त्रासदी से एक तरफ गौवंश के लिए नई सरकार के वायदे खोखले साबित हुए, वहीं गाय के नाम पर सियासी फायदा लेने वाली पार्टी हिंदूवादी संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद मौके से नदारद दिखा। ऐसे में सरकार और संगठनों पर सवाल उठना लाजमी है। गोरू ने खाया और मर गए 15 कम से कम, इसमें से हमारे 3-4 हैं, बाकी हमारे भाई लोगन के हैं। कोई नहीं देखने आया, हम लोग देखे सवेरे। सबने जब मरी हुई थी तो हमने सूचना दिया, किसको दिया था? सरपंच को। सरपंच नहीं गया तो कुछ नहीं किया। वह किसान पिसाने मारा था, रखना पशुपतनाथ मरा है वह का कहा थे ही भंडारा और फेकिन फाकिन ते गोरुआ खाई नहीं तब है बहु यही काल खाई ना, आज रात में मर गए। अब सुबेरे हमारी यहाँ पे सर भंडारा हुआ था परसों के दिन, शिवरात्रि के दिन, तो जो बचा हुआ आटा वाटा रहा उसको फेंक दिया गया था, उससे कुछ गाय उनमें खाई है, तो उनमें आग 2-3 दिन बाद खत्म हो गई, 15-20 गाय खत्म हो गई जी। इसके लिए एक रिपोर्ट हम तैयार किए हैं, जो हम सिविल लाइन थाने के लिए कलेक्टर साहब के आवेदन। पूरी गाभिन गाय बेचारी मर रही हैं, सब कुछ हर जगह ला से गायों की पड़ी। शिवरात्रि जो थी सोमवार को, उस दिन ये मंदिर वाला किया भंडारा, ठीक ना। भंडारा में मतलब कि सब जो भी लास्ट में दाना बचा तो इन्होंने फेंकवा दिए मतलब कि रोड में। इसके बाद जो मतलब ये जानवर है तो वो खाए, ठीक ना, उनकी मृत्यु हो गई। कम से कम समथिंग 12 से 15 तक जानवर मर गए, ठीक ना। एक बार और किए थे ये, गांव की कई बकरियां मर गई थी, ठीक ना, तो उस बार चलो हटा दिए। लेकिन ऐसा ही लोग सोचते कि मतलब कि हम भंडारा करते हैं, पुण्य कमाते हैं, पुण्य नहीं करते पाप करते हैं, तो कहां तक पब्लिक शांत रहेगी? कितने होगी लगभग? लगभग 15 जानवर के आसपास। कुछ यहाँ पड़े हैं, कुछ बस्ती के अंदर पड़े हैं, कुछ भट्ठा में गए मर गए हैं, अब पता नहीं कहाँ कहाँ खा के गए, कहाँ कहाँ मरे होंगे। तो इस न्यूज कैप्सूल में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स, खास खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग टीवी। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नमस्कार।